हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं लगभग 2 मास पहले मोटो G54 5G स्मार्टफोन का एक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग रिव्यू वाला वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया था। फिर भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट देखने के लिए मिला कि आफ्टर प्राइस ड्रॉप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर मोटो G54 स्मार्टफोन गेमिंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बीबीडी सेल पर और एक मोटो G54 स्मार्टफोन ऑर्डर कर दिया था, जो कुछ दिन पहले ही मेरे पास डिलीवरी हुआ है। तो चलो, डिलीवरी तो हो गया है, इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल यूनिट मोटो G54 5G स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट गेमिंग रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मोटो G54 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.5 इंच फुल HD प्लस 120Hz LCD डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 EX6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। बैटरी है 6000 mAh प्लस 33 वाट फास्ट चार्जर। रियर कैमरा है 50MP वाइस प्लस 8MP सेकेंडरी लेंस। फ्रंट कैमरा है 16MP का। इस स्मार्टफोन का 2 ही रैम और स्टोरेज वेरियंट है। 8 128GB का ऑफर प्राइस था 14,000, 12 256 का ऑफर प्राइस था 17,000, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर 8GB 128GB मेरे को सिर्फ 12,600 के अंदर मिल गया। तो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अब ये क्विक अनबॉक्सिंग की बात करें तो स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर अब लोगों को स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। और स्मार्टफोन के साथ ही मोटो ने यहाँ पर एक सॉफ्ट सिलिकॉन का TPU केस भी प्रोवाइड किया है, जो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक बोल सकते हो। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर मोटो की तरफ से कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर, मतलब इस लाभ लेटर, एक सिम इजेक्टर पिन, एक 33 वाट का फास्ट अडैप्टर और एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो फोन को फटाफट सेटअप करके सीधा गेम की तरफ चलते हैं। अभी गाइस देख सकते हो हमारा मोटो G54 5G स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर मैक्स गेम ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद सबसे पहले गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करते हैं। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हो, जनरल 100 रेड डॉट 85 है। और ग्राफिक्स की बात करें तो डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो फुल मैक्स है। उसके साथ हाई एफपीएस कलर फिल्टर शैडो सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सेट है। तो चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ क्लैश स्क्वाड रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते हैं। उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बोलता हूँ। सो आप लोगों को अगर ये स्मार्टफोन लेना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों का सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। Double kill. Triple kill. Kill. Double kill. Blood. Double kill. Kill. तो भाई लोग, मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड रैंक मैच का गेम प्ले तो आप लोगों ने देख लिया। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं।
Double kill. Triple kill. Kill. Dominating. राइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहां पर देख लिया। तो अभी इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को लेकर बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये अंडर 13,000 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर में से एक है, क्योंकि इस प्रोसेसर के अंदर तो बेंचमार्क स्कोर है 4,50,000 के ऊपर, जो अंडर 13 क्या 15,000 के अंदर भी कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड आप लोगों को नहीं देगा। और इतना पावरफुल प्रोसेसर होने की वजह से क्लैश स्क्वाड मैच के अंदर मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर आप लोगों को एक भी सिंगल फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट फुल मैप रैंक मैच के अंदर लैगिंग इशू तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आप लोगों को नोटिस होगा, जो प्राइस को कंसीडर करते हुए एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हो। परफॉर्मेंस के बाद अभी गेम के अंदर सेंसिटिविटी की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पैनल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। सो प्राइस की सबसे इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। नेक्स्ट, इस स्मार्टफोन का बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हो, मैं लगभग 2 महीना से इस स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूँ, तो बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी है, बॉक्स के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर है और 6 नैनोमीटर प्रोसेसर होने की वजह से बैटरी उतना ज्यादा कंज्यूम भी नहीं करता है। सो बैटरी को खत्म करते करते आप लोगों का एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस स्मार्टफोन का बैटरी नहीं खत्म होगा। सो बैटरी परफॉर्मेंस तो बढ़िया है और बॉक्स के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा, तो यह स्मार्टफोन 1 hour 50 minutes के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। नेक्स्ट, कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर 50 MP का मेन सेंसर है विद वॉइस, और वॉइस होने की वजह से गाइस कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस की सबसे मतलब अंडर 13,000 की सबसे काफी बढ़िया है। कैमरा को लेकर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और 16 MP का फ्रंट कैमरा भी है। सो प्राइस की सबसे कैमरा क्वालिटी मेरे को तो काफी बढ़िया लगा है। तो भाई लोग, ये था मोटो G54 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि 13,000 के हिसाब से ये स्मार्टफोन आप लोगों को गेमिंग के लिए परचेस करना चाहिए या नहीं। तो भाई लोग देखो, अभी स्मार्टफोन का प्राइस फिर से 16,000 हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से दिवाली सेल पर यह स्मार्टफोन आप लोगों को फिर से 13 या 14,000 के अंदर मिल जाएगा। और अगर 13 या 14,000 पर मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से 13 या 14,000 पर इससे बेहतर गेमिंग स्मार्टफोन आप लोगों को और कोई स्मार्टफोन ब्रांड प्रोवाइड भी नहीं करेगा। तो यह स्मार्टफोन गेमिंग के लिए मेरे तरफ से तो फुल्ली रिकमेंड है, इसलिए गेमिंग के लिए आप लोग इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा गेम खेलते टाइम। सो भाई लोग, आज के वीडियो पर तो इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।